हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं क्रोचेट मिनी वॉल हैंगिंग बनाई हूँ, आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी कि इसको किस तरह बनाई हूँ। देखिए ये कितना प्यारा है, ये पॉकेट है इसका। इसमें आप छोटी छोटी कुछ जैसे घर में सामान होता है, रबड़ क्लिप ये सब चीज़ें भी रख सकते हैं, या इसमें फ्लावर डाल के आप हैंग भी कर सकते हैं। इसमें वो आपके ऊपर है क्या रखना इसमें चाहते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये, बहुत प्यारा है देखिए। और अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मैं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे, ताकि मैं नई नई चीज़ें बनाती रहूँगी आपके पास मिलते रहे उसका नोटिफिकेशन। आइए अब शुरू करते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें हम पहले चेन लेंगे इस तरह ऐसे करके, ये देखिए 1 2 3 4 ये 5 हो गया। अब इसमें हम इसको इस तरह बंद कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन और ले लेंगे ऐसे। देखिए ये 3 मैंने चेन ली थी यहाँ पर, और इसमें हम इस तरह डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे करके, ये देखिए 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 चेन फिर ले लिए, ये हो गया, फिर ये ले लिए। इसी तरह हम ऐसे 4 बनाएंगे ऐसे करके यहाँ तक, ये देखिए। अब हम इसमें इसको इस तरह बुनेंगे ऐसे करके, ये देखिए इसको ऐसे हम ले लेंगे। और फिर यहाँ पर हम इसमें 2 चेन लेंगे ऐसे, और ये डबल क्रोशिया इस तरह, ये देखिए इस तरह निकालेंगे, ये देखिए 1 2 3। फिर यहाँ पर हम 2 चेन ले लिए और फिर इसमें हम डबल क्रोशिया 3 निकालेंगे ऐसे, ये देखिए, फिर यहाँ पर 1 चेन लेंगे और इसको छोड़ के हम इसमें इसमें बुनेंगे ऐसे, दो तीन, ये 3 हो गया। और फिर यहाँ पर हम 2 चेन ले लिए, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया 3 इसी तरह बुनेंगे ऐसे करके, फिर 1 चेन यहाँ पर ले लिए, फिर हम इसमें इसी तरह इसमें और इसमें बुन लेंगे, ये देखिए इसको इसमें हम ऐसे बुनेंगे यहाँ पर इस तरह, और फिर हम इसको ऐसे बुनते हुए यहाँ पर आएंगे यहाँ पर, एक दो तीन, ये 3 चेन हो गया, ये देखिए। फिर यहाँ पर हम बीच में 2 चेन ले लिए,
फिर ये तीन डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह। फिर यहाँ पर 1 2 3, ये 3 चेन हो गया। फिर इसमें हम ये देखिए ये डबल क्रोशिया 3 बार निकालेंगे ऐसे। फिर बीच में हम 2 चेन ले लिए इस तरह, और फिर ये डबल क्रोशिया 3 बार इसी तरह हम निकालेंगे इसमें से ऐसे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 चेन लेंगे ऐसे करके, और इसमें जो है इसमें से देखिए 1 2 3 4 5, ये डबल क्रोशिया 5 बुन लिए ऐसे। अब फिर यहाँ पर हम 1 चेन ले लिए, और फिर हम इसमें ये डबल क्रोशिया 3 ऐसे करके निकाल लेंगे ऐसे, ये देखिए। फिर यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, और इसी तरह हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। यहाँ पर फिर हम 1 चेन लेंगे ऐसे करके, एक नहीं सॉरी, यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे ऐसे, और फिर इसमें हम डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे। देखिए फिर यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे ऐसे करके, ये देखिए इस तरह। और फिर हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे ऐसे करके, और इसमें हम 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे, ये 2 3 4 5, ये 5 हो गया। फिर यहाँ पर हम 1 चेन ऐसे ले लेंगे, और फिर इसमें हम इसको इस तरह, ये देखिए, और फिर हम इसको ऐसे, ये देखिए। अब फिर यहाँ पर हम 3 चेन ले लिए ऐसे करके, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया 3 निकालेंगे ऐसे करके, ये देखिए। फिर यहाँ पर 2 चेन हो गया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया 3 निकालेंगे, ये, और फिर यहाँ पर हम ये 3 चेन लेकर इसमें हम ये देखिए, ये 2 3 हो गया। फिर यहाँ पर 2 चेन ले लिए, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया 3 निकालेंगे इसी तरह, ये देखिए ये हो गया। और फिर यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे ऐसे, और इसके साइड में हम ऐसे, अब ये देखिए ये 5 जो हम डबल क्रोशिया बुने थे इसके साइड में हम इसको 1 डबल क्रोशिया ले लिए, और फिर हम ये डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे वहाँ तक। ये देखिए 3 हो गया, 4 5 6 7, ये 7 हो गए डबल क्रोशिया। पहले हमने 5 बुने थे, दूसरे लाइन में 7 हो गया। यहाँ पर फिर हम 1 चेन ले लिए, ये देखिए यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया 3 हम बुनेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे ऐसे, फिर ये डबल क्रोशिया 3 बुन लेंगे ऐसे।
ये देखिए इसको हम यहाँ भी हम सात बुन लिए इस तरह, यहाँ मैंने बताई थी आपको, इसी तरह यहाँ भी बना लिए इसको। अब इसमें हम इस तरह इसको निकालेंगे ऐसे, ये देखिए। यहाँ पर फिर हम तीन ऐसे चेन ले लिए और फिर इसमें से हम डबल क्रोशिया तीन निकालेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर दो चेन हो गया, फिर इसमें से डबल क्रोशिया तीन निकालेंगे ऐसे और फिर यहाँ पर तीन चेन लेंगे ऐसे, और इसमें हम ये डबल क्रोशिया तीन निकालेंगे ऐसे। ये देखिए ये इस तरह होगा जाके ऐसे, ये देखिए इसको हम फिर साइड से दोनों साइड से एक एक बढ़ाएंगे ऐसे इस तरह। ये देखिए इसमें सात बुने थे डबल क्रोशिया, तीसरे लाइन में हम आठ बुनेंगे ऐसे करके। ये देखिए चार हो गया, ये पाँच छः सात आठ नौ, ये डबल क्रोशिया नौ हो गया दोनों साइड। ये पहला लाइन में ये पाँच हुआ था, फिर दूसरा लाइन में सात हो गया, तीसरा में नौ हो गया, दोनों साइड से एक एक बढ़ेगा ये। और फिर यहाँ पर हम एक चेन लेकर इसमें हम इस तरह, ये देखिए ये देखिए इस तरह ये आठ लाइन बने गए आगे जाके, ये तीन हो गया और इसमें पांच लाइन हम बुनेंगे दोनों साइड में एक एक बढ़ाएंगे हर लाइन में, और ये इस तरह बनेगा, ये तीन चेन देकर बनेगा बीच वाला। ये देखिए इधर भी और इधर भी दोनों साइड, इसका शेप ऐसे होगा इस तरह, ये देखिए इस तरह बनेगा, ये बढ़ते हुए जाएगा दोनों साइड में, और ये सेम जैसे बना हुआ है इसी तरह बनेगा ये आगे जाके। ये देखिए ये आठ लाइन कंप्लीट हो गया, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम जैसे ये है, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम इस तरह बनाएंगे ऐसे, ये देखिए इसको एक दो तीन, ये इसमें डबल क्रोशिया तीन निकालेंगे ऐसे, फिर ये दो चेन ले लेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया तीन निकालेंगे ऐसे, और ये एक चेन देकर ये देखिए इस तरह, ये देखिए इसको हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे इसी तरह। इधर से ये हम नौ लाइन बनाएंगे एक साइड से ऐसे, ये यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर तीन चेन लेकर इस तरह हम इसमें, अब हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे करके। ये डबल क्रोशिया तीन निकालेंगे इसमें से इस तरह, ये देखिए दोनों को पकड़ के, और यहाँ भी ये देखिए इसमें हम दो चेन इस तरह लेंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे इस तरह।
यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये देखिए एक दो तीन, ये तीन चेन ले लिए। लेने के बाद ये देखिए, ये तीन चेन लेने के बाद यहाँ पर हम, ये देखिए फिर से मैं बता रही हूँ इसको, देखिए एक दो तीन, ये तीन हो गया। अब इसमें हम इसको इस तरह बनाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच चेन हो गया। ये देखिए एक दो, दो छोड़ के हम तीसरे में इसको इस तरह बनाएंगे ऐसे, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन हो गया। और फिर एक दो, दो छोड़ के तीसरे में इस तरह, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए एक दो छोड़ के फिर तीसरे में एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच चेन हो गया। एक दो, ये तीसरे में इस तरह बुनेंगे ऐसे करके, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए एक दो छोड़ के फिर तीसरे में ऐसे बना लिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन हो गया। ये देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे इसको तीसरे में डाल के, फिर एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच चेन हो गया। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह बनाएंगे, इसके बाद एक दो तीन, ये तीन चेन हो गया। अब हम इसमें इसको डाल के इस तरह बुनेंगे, ये देखिए ये इस तरह होगा। और फिर हम इसको यहाँ पर, ये देखिए ऐसे बुनते हुए यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक एक दो तीन, ये हो गया। अब फिर हम यहाँ पर दोनों को पकड़ के इसको इस तरह ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, ये तीन हो गया। एक दो, दो चेन लेने के बाद फिर हम डबल क्रोशिया यहाँ पर तीन निकालेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह। अब इसको हम इधर से घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद फिर हम इसको ऐसे बुनते हुए यहाँ तक आएंगे, ये देखिए यहाँ तक। फिर एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद फिर इसमें हम डबल क्रोशिया तीन निकालेंगे ऐसे, तीन हो गया। फिर दो चेन लेंगे यहाँ पर, फिर इसमें डबल क्रोशिया तीन निकालेंगे ऐसे, ये हो गया। और फिर यहाँ पर हम एक दो तीन, ये तीन चेन हो गया। तीन लेने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम छोड़ के, ये देखिए इसको हम इसमें इसमें बुनेंगे इस तरह, इसको छोड़ देंगे, हम इसमें बनाएंगे ऐसे इस तरह, ये देखिए इसको छोड़ के हमने ये दूसरे में बुन लिए इसको। और फिर अब हम यहाँ पर ये पांच चेन लेंगे इस तरह, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच चेन हो गया। एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए फिर हम इसमें बुनेंगे इसको, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच हो गया। फिर हम इसमें बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच हो गया, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए। ये किनारे पर क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, और फिर किनारे पर दोनों साइड में हम तीन तीन चेन लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर बीच में हम पांच चेन लेकर बनाएंगे इसको, ये देखिए एक दो तीन, ये तीन हो गया।
अब हम इसमें इसको बुनेंगे, इसको डबल क्रोशिया, तीन ये देखिए इस तरह हम इसको बनाएंगे, ये देखिए इस तरह जैसे हमने इसमें बनाए हैं, देखिए ऐसे ये एक एक कम होते जाएगा ऐसे करके, ये देखिए ये जो है ऐसे बनेगा, ये इस तरह किनारे वाला ये कम हो जाएगा दोनों साइड से और बीच में ऐसे बनते हुए चला जाएगा ऐसे करके, ये देखिए इस तरह। ये देखिए ये लास्ट बच गया है यहाँ पर, ऐसे बना है ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक दो तीन, ये तीन चेन ले लिए और इसमें हम ये देखिए इसको फिर एक दो तीन, ये तीन चेन हो गया। फिर इसमें हम इसको बुन लेंगे ऐसे इस तरह, ये देखिए मैं अभी बता रही हूँ इसको, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको बुनते हुए हम यहाँ तक आएंगे, ये देखिए यहाँ तक एक दो तीन, ये तीन चेन लेने के बाद एक दो दो चेन ले लिए, फिर ये डबल क्रोशिया तीन बुनेंगे इसी तरह जैसे पहले बताई थी मैं, ये देखिए। अब यहाँ पर हम इसको ये जोड़ेंगे दोनों को इस तरह ऐसे इस तरह जोड़ लेंगे, ये देखिए। फिर यहां तक हम बुनते हुए आएंगे ऐसे और फिर यहाँ पर हम एक दो तीन, तीन चेन ले लिए, ये देखिए ये हो गया तीन। अब इसमें हम इसको देखिए, इसमें हमने इसको इस तरह जोड़ ली, इसमें तीन बुन के डबल क्रोशिया और इसमें तीन डबल क्रोशिया बुन के दोनों को ऐड कर दी दोनों में, ये हैंग करने के लिए है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फ्लावर लगा लेंगे ऐसे, आपके पास जो भी है वो इसमें लगा सकते हैं, ये देखिए ये बीच में हम यहाँ बीच में लगाएंगे इसको दोनों साइड से, ये जोड़ के दो चार छः, ये देखिए दो चार छः सात आठ सात आठ, ये देखिए इसमें हम इसको इस तरह, ये देखिए इसको यहाँ से हम इस तरह जोड़ेंगे ऐसे एक दो तीन, तीन चेन ले लिए, इसमें हम इसको डबल क्रोशिया दो बुनेंगे तीन चेन लेने के बाद इसको इस तरह, और इसको हम देखिए एक दो तीन दो छोड़ के हम तीसरे में इसको ऐसे बुन लेंगे इस तरह। फिर देखिए एक दो तीन, ये तीन चेन हो गए, फिर इसी में हम डबल क्रोशिया इस तरह दो बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, फिर एक दो दो को छोड़ के हम तीसरे में इसको इस तरह बनाएंगे ऐसे, ये देखिए एक दो तीन, ये तीन हो गया, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया दो बुनेंगे ऐसे,
फिर एक दो दो छोड़ के तीसरे में हम इस तरह इसको ऐसे बना लेंगे, एक दो तीन, तीन हो गया। ये देखिए इसी तरह हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए ये लास्ट का है, तो हम यहीं तक इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। इस धागे को हम अंदर ले लेंगे ऐसे। ये देखिए ये पूरा ये कंप्लीट हो गया। मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ।